तो यहाँ तो आज हम बात करने वाले कि भाई आखिर डिस्क्रिप्शन क्या होती है, YouTube की जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन वो क्या होती है और इसको किस तरीके से आपको लिखना है वो पूरा आज की वीडियो में आपको बताऊंगा समझाऊंगा। तो मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको अपनी एक वीडियो यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखो ये मोर वाला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन आप लोगों की यहाँ पे लिखा आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्या क्या लिखा हुआ है वो आप सारी चीज़ें देख सकते हो। सबसे पहले हमारे हैशटैग्स दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इस वीडियो के बारे में लिखा हुआ है कि भाई मैंने इसकी वीडियो के अंदर क्या बताया है, प्लस उसके नीचे मैंने अपनी काफी सारी वीडियो प्रमोट से करी हुई है ताकि लोग अगर कोई मेरी डिस्क्रिप्शन में आता है उसको ये भी दिखे कि भाई हैशटैग क्या होता है, ये मैंने ये वीडियो पे क्लिक करके वो मेरी वीडियो देख सकता है, तो इससे मेरा फायदा हो रहा है। तो मैंने काफी सारी वीडियो यहाँ पे डाली हुई है देखो डिस्क्रिप्शन में, उसके नीचे आओगे तो मैंने काफी सारे टैग्स लगा रखे और काफी सारे यहाँ पे मैंने हैशटैग भी यहाँ पे यूज किए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हो इस तरीके से मैंने पूरी अपनी डिस्क्रिप्शन वीडियो की लिखी हुई है और इस पर काफी अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं, जैसे कि इस पर कम सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो अब आपको किस तरीके से लिखनी है, और यहाँ पे मैं आपको दूसरा चैनल भी अपना दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके कि कितने ज्यादा ज्यादा व्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक मेरा ये चैनल है, इस पे भी मैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ और आप भी इसी तरीके से लिखते हो। देखो इस वाले चैनल पे कितने ज्यादा व्यूज हैं, यहाँ पे 3 लाख सब्सक्राइबर है और यहाँ पे 12,000, 50,000, 30,000 इस तरीके से इस पे काफी ज्यादा ज्यादा व्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से व्यूज लाने हैं, आपको इसी तरीके से यहाँ पे यूट्यूब पर ग्रो करना है, तो आप यहाँ पे सही तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना सीखो और यहाँ पे उसके बाद वीडियोस अपनी वायरल करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना है वो आपको पूरा बताऊंगा समझाऊंगा। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहो, उससे पहले रिक्वेस्ट है बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी क्या करता हूं मैं, सबसे पहले मैंने एक वीडियो रेडी कर रखी है वो लेकर चलता हूं भाई यूट्यूब पे। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि भाई यहां पे आखिर वीडियो टाइटल क्या होता है, ठीक है। पूरी वीडियो में फुल डिटेल में समझाया था वायरल टाइटल आप किस तरीके से लिख सकते हो, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ भाई यूट्यूब पे, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। तो मैं सीधा सीधा मैंने लिखा है, इसमें वीडियो प्लस वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, अपलोड वीडियो पर जाता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ पे, और जैसे मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ बस यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे टाइटल डालना है, तो मैं टाइटल मैंने ऑलरेडी लिख रखा है और टाइटल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है एक ऑप्शन ऐड डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। तो ऐड डिस्क्रिप्शन पे बस आपको क्लिक करना है। तो बस इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपने चैनल की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मतलब वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आखिर जो आप वीडियो डाल रहे हो उस वीडियो के अंदर आपने क्या बताया है उससे रिलेटेड। और यहाँ पे आप अपने YouTube वीडियोज के लिंक डाल सकते हो, Instagram का लिंक डाल सकते हो, यहाँ पे आप कोई एप्लीकेशन का लिंक डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे हैशटैग लगा सकते हो, कीवर्ड्स वगैरह लगा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। और 5,000 वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है नीचे आप देख सकते हो कि भाई आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 5,000 वर्ड के अंदर कुछ भी पूरा यहाँ पे डिटेल लिख सकते हो कि भाई आखिर आपने वीडियो के अंदर क्या बताया है और आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। वो सारी चीज़ आपको लिखनी पड़ती है, तो वो आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आइए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बोल सकते हो कि भाई हाय दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर हाय गाइस कुछ भी लिख के उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर सकते हो। मैं तो भाई देखो ऐसे ही लिखता आ रहा हूँ और ऐसे ही लिखता हूँ, तो आपको भी अगर इस तरीके से लिखनी है तो लिख सकते हो, नहीं तो आप खाली यहाँ पे अपना ये वाला जो आपने टाइटल लिखा है इसको टाइटल को कॉपी करके आप इस तरीके से जैसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद अब बस आप अपना लिंक वगैरह जो इंस्टाग्राम का लिंक हो गया, फिर अपनी वीडियोस को अगर प्रमोट करनी है मतलब उन पे ज्यादा व्यूज लाने तो उसका लिंक डाल सकते हो ताकि लोग वो देख सकें, और फिर यूट्यूब रिकमेंड भी करता है उस वीडियोस को। तो उसके बाद लिंक्स वगैरह डाल सकते हो, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डाल सकते हो, कोई एप्लीकेशन यहाँ पे प्रमोट करना चाह रहे हो उसका लिंक डाल सकते हो, फिर हैशटैग वगैरह लगा सकते हो। किस तरीके से लगाना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से खाली टाइटल डाल के भी आप कर सकते हो अपना काम, लेकिन मैं काफी सारा सा यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे उसमें, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ, पूरा लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो मैं भी बताता हूँ आपको सही तरीका क्या है, जिस तरीके से मैंने लिख लिया मैं आपको सिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिख दिया और डिस्क्रिप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखो सबसे ऊपर में मैंने आखिर क्या लिखा है। सबसे ऊपर में मैंने बताया है कि हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताया है कि पेटीएम KYC कैसे करें 2023। उसके बाद मैंने कोमा लगा के पेटीएम अपना जो टाइटल था वो टाइटल पूरा यहाँ पे कॉपी करके डाला हुआ है। उसके बाद मैंने काफी सारी चीजें और लिखी है कि भाई पेटीएम घर बैठे KYC कैसे कर सकते हैं, पेटीएम मतलब मैंने वीडियो में सारा का सारा चीजें जो वीडियो के अंदर बताया थोड़ा सा उसके बारे में लिख दिया और कोमा बात खत्म होने के बाद कोमा लगाया हुआ है, ठीक है। पेटीएम डोर स्टॉप KYC, पेटीएम वीडियो KYC कैसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से करके मैंने काफी सारा जो है इसमें लिखा हुआ है। और लास्ट में आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सभी कुछ बता दिया है और भी आपको बहुत कुछ बताया, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इतना कुछ लिख के मैंने बस यहाँ पे इसको लास्ट में यहाँ पे थैंक्स लिख देता हूँ मैं। तो थैंक्स लिखने के बाद इतना काम मेरा खत्म। उसके
बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे डाला हुआ है, अपने यहाँ पे टेलीग्राम डाला हुआ है कि भाई मेरा भाई एक टेलीग्राम पे भी चैनल है, तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डाला हुआ है कि ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे फॉर लेटेस्ट ऑफर एंड यहाँ पे लूट डील्स, यहाँ पे इसका लिंक भी दे दिया है। तो अगर आपका कुछ यहाँ पे इंस्टाग्राम है या फिर आपकी कोई और वेबसाइट वगैरह है जिसे आप प्रमोट करना चाहते हो, यहाँ पे आप लिंक वगैरह उसका डाल सकते हो, ठीक है। उसके नीचे देखो मेरे अपना यहाँ पे इंस्टाग्राम मेरा है अकाउंट, जैसे मैंने आपको बोला था इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल देता हूँ हमेशा अपनी वीडियो में, इंस्टा फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम लिख के मैंने इतना यहाँ पे उसके बाद अपना लिंक डाल दिया, तो ठीक है ये मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद मैंने जो वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे डाली हुई है पेटीएम से रिलेटेड, मतलब जो पेटीएम से रिलेटेड मैंने वीडियो डाली है उसके यहाँ पे मैं लिंक डालने वाला हूँ, पेटीएम ऐप का डालने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे पेटीएम अकाउंट कैसे बनाए, पेटीएम मिनी केवाईसी कैसे करें, उसके लिंक यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर दूंगा, उसके लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे सबसे नीचे, बाद में यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें भाई टॉपिक मैंने आखिर इसके अंदर क्या क्या कवर किया है वो सारे यहाँ पे थोड़े से कीवर्ड्स जो है वो इनको कीवर्ड्स बोलते हैं वो यहाँ पे लगा हुए हैं, मतलब टैग्स आप बोल सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, 5 से 10 आप लगा सकते हो। सबसे पहले आपको टॉपिक कवर लिखना या फिर आप यहाँ पे योर क्वेरीज यहाँ पे लिख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने टॉपिक कवर लिखा हुआ है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैंने पेटीएम फुल केवाईसी, पेटीएम फुल केवाईसी कैसे करें, पेटीएम फुल केवाईसी यहाँ पे कैसे करें 2023 घर बैठे पेटीएम केवाईसी करें मोबाइल से कैसे करें, ये काफी सारी मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स यहाँ पे टैग्स आप बोल सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखे हुए हैं, तो आप इस तरीके से अगर लिखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में तो लिख सकते हो, नहीं तो आप नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जहाँ टैग्स लगाते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई सही तरीका क्या है टैग्स लगाने का वो पे बताऊंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, यहां से भी आपको काफी फायदा होता है, यहां से भी अगर ये आप डिस्क्रिप्शन में लगाते हो तो आपकी वीडियो काफी ज्यादा सर्च में आती है और सर्च में आने के बाद आपकी काफी ज्यादा वीडियो चलती है और आपकी वीडियो वायरल होती है। उसके बाद देखो मैंने जो यहां पे टैग्स इस तरीके से लगाए कुछ उसी तरीके से यहां पे मैंने हैशटैग्स भी लगाए हैं, देखो यहां पे पेटीएम पेटीएम फुल केवाईसी, पेटीएम यहां पे 2023 केवाईसी, काफी सारी चीजें यहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको हैशटैग भी लगाने पड़ते हैं, तो इन हैशटैग से भी आपकी वीडियो को मदद होती है, इन टैग से भी मदद होती है, हैशटैग से भी आपकी ये वीडियो को मदद होती है कि वो भाई वो जब कोई बंदा के सर्च करेगा कि भाई पेटीएम केवाईसी कैसे करें तो ये हमने टैग्स में भी लिखा है, हैशटैग में भी लिखा है, टाइटल में भी लिखा है, तो ये हमारी वीडियो सबसे ऊपर आएगी सर्च में और वो उस पर क्लिक करके देखेगा और हमारा फायदा होगा, ठीक है। तो ये देखो सारी चीजें यहां पे मैंने लिखी है, तो मैंने हैशटैग लगा दिए, उसके ऊपर मैंने टैग्स लगा दिए, उसके ऊपर मैंने कुछ यहां पे वीडियोस के लिंक्स यहां पे एप्लीकेशन के लिंक डाल दिए, अपना इंस्टाग्राम का टेलीग्राम का लिंक डाल दिया और वीडियो के बारे में लिख दिया है कि इस मैंने वीडियो के अंदर क्या बताया, तो यही होती है डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया अभी, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारे काम आप कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जरूर से लिखना भी चाहिए कि आपने आखिर वीडियो के अंदर बताया क्या है। तो मैंने सारी चीज आपको बता दी समझा दी कि भाई इस तरीके से आप अपनी पेटीएम यहाँ पे जो है यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाके लिख सकते हो और इनमें इनसे फायदा उठा सकते हो हैशटैग टैग्स वगैरह लगा के और अपने लिंक्स वगैरह डाल के इंस्टाग्राम के यहाँ पे टेलीग्राम फेसबुक जिसके भी डालने हो, और ये आपको भी लिखना जरूरी होता है जो मैंने आपको समझाया ऊपर में कि भाई हाय फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वीडियो के अंदर क्या बताया वो भी आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें लिख के अब आपको अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है, ठीक है। ये सारे लिखो, ये टाइटल लगा दो यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन लिख दो, उसके बाद टैग्स डाल दो, ये सारे काम करने के बाद आप अपनी वीडियो के बाद अपलोड कर सकते हो यहाँ पे थंबनेल वगैरह लगा के, और उसके बाद भाई आप जब सब कुछ सही सही लिखोगे सब कुछ सही सही करोगे तो आपकी वीडियो वायरल होगी और आप लोगों का काफी ज्यादा फायदा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डिस्क्रिप्शन आखिर क्या होती है, मैंने आपको पूरा समझा दिया बता दिया किस तरीके से लिखते हैं वो भी बता दिया, किस तरीके से लिंक्स वगैरह डालते हैं वो भी बता दिया, तो आपको टैग्स किस तरीके से लिखने हैं, हैशटैग किस तरीके से लिखने हैं वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा, क्या क्या हम डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो बस ये थी वीडियो, वीडियो पसंद प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं इसी वीडियो अपडेट लाते रहूंगा। थैंक यू।